महाराष्ट्र के बाद क्या बिहार में भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस चालू करेगी? हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। कल महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक हुई थी। नीतीश, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, कांग्रेस विधायक जो सोर्स बता रहे हैं अजीत शर्मा और अपने ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक को कह रहे थे कि आप जो है आप लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। रात में जो जदयू की बैठक हुई विधानमंडल दल की, उसमें भी नीतीश ने कहा विधायकों को कि बीजेपी से सावधान रही। तो क्या बिहार में भी कुछ बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, ऑपरेशन पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है और डरे हुए, सहमे हुए, औकलाहट और बौखलाहट में है नीतीश कुमार जी। उनके अपने गठबंधन में उन पर जो प्रेशर है उस पर ये बयान दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे सब मालूम है। इसका अर्थ निकलता है कि या तो माननीय मुख्यमंत्री जी टेप करवा रहे हैं विधायकों का, या उसके पीछे खुफिया लगाए हुए हैं। ये नीतीश कुमार जी के पतन का प्रकाष्ठा है और उनका पतन नजदीक है ऐसा लगता है। नीतीश जी को महागठबंधन के विधायकों पर भरोसा नहीं है, उनकी फोन टैप करा रहे हैं। निश्चित रूप से कल का जो उनका वक्तव्य है कि मैं सब जानता हूं और समझता हूं, तो लगता है कि वो उनका फोन टेप करवा रहे हैं, उनके पीछे खुफिया लगाए हुए हैं। क्या लालू परिवार के तरफ से नीतीश पर प्रेशर है कि आप तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़िए और खुद केंद्र की सियासत में जाइए और इसलिए टूट हो सकती है जदयू में? नीतीश कुमार जी की बेचैनी और घबराहट और डर ये निश्चित रूप से बता रहा है कि वो डरे हुए हैं और उन पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रेशर है कि आप मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी जी को। यही जदयू के विधायक नहीं चाहते हैं। जदयू के विधायक कुछ आरजेडी के संपर्क में है, कुछ कहां कहां जदयू नाम की चिड़िया नहीं रहेगी एक आध साल में। कांग्रेस का क्या होने वाला 19 विधायक? देखिए ना क्या क्या होता है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। आगे आगे देखिए क्या होता है। तो बड़ा इशारा कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।